ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वाली वीडियो बन सकती है, लाइफ चेंजिंग वाली वीडियो बन सकती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो फैक्ट ऐसे बताने वाला हूँ कि जिसकी वजह से आपका नहीं बोले तो गोल चेंज हो जाएगा या फिर जो गोल है उसके ऊपर फोकस बनाए रखे। लेकिन अभी वो इंफॉर्मेटिव क्या है इंफॉर्मेशन, ठीक है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमें एक कमेंट आई थी, सिर्फ एक ही कमेंट आई थी, सिर्फ एक कमेंट आई थी और उस कमेंट ने मुझे सोच में डाल दिया, ठीक है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, एक स्टूडेंट था, ठीक है अभी भी वो कमेंट आपके सामने यहाँ दिखाई दे रही होगी, ठीक है। लेकिन ये कमेंट उस बंदे ने की थी कि भाई जब हमने एक यूट्यूबर से उनका वीडियो देखा था और कई और जनों से हमने बात की थी कि NITs और IITs, ठीक है NITs और IITs के अंदर डिफरेंस उनको तो पता है, ठीक है। लेकिन उनका ऐसा करना था, ठीक है, उन स्टूडेंट का नहीं, उन जनों का जिन्होंने उनको बताया था, उन स्टूडेंट को, ठीक है, कि उस स्टूडेंट को, ठीक है, दिन IITs अच्छे होते हैं, ठीक है, हम भी मानते हैं IITs अच्छे होते हैं और सब मानते हैं IITs अच्छे होते हैं, लेकिन NITs अच्छे नहीं होते, NITs के अंदर एडमिशन लेना अच्छा नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है, ठीक है। IITs के बाद NITs आते हैं और कई कई ऐसे NITs है, ठीक है, NIT त्रिची, फिर NIT वारंगल, NIT इलाहाबाद, जयपुर है ना, जो नागपुर, फिर पटना, वो कई IITs से भी अच्छे है, ठीक है, जैसे कि IIT तिरुपति, IIT गोवा, फिर IIT इंदौर है ना, वो ऐसे जितने IITs है उनसे अच्छे NIT इलाहाबाद, NIT त्रिची, NIT वारंगल, ये कॉलेजेस है, यानी कंपेयर करा जाए, ठीक है, उनका पैकेज कंपेयर करा जाए, उनकी फैकल्टी कंपेयर करा जाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर किया जाए, क्योंकि ये जो ओल्ड NITs है ना वो यहाँ तक भी है ना, वो ओल्ड IITs को भी टक्कर दे सकते हैं, ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं कहना है किसी से भी, ठीक है, यदि आप भी किसी छोटे बच्चे को या फिर आपके जूनियर है उनको एक सलाह देना चाहते हो, ठीक है, कि ऐसा आपको नहीं बोलना है, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर भी जो ब्रांच होती है, ठीक है, ब्रांच भी एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक ब्रांच का हर एक खुद का एक वैल्यू होता है, ठीक है। आप देखो जी, देखोगे CSE का एक अलग ही वैल्यू होता है, IIT का एक अलग वैल्यू होता है, ठीक है। हर एक ब्रांच के ऊपर हमारी दुनिया चल रही है और हर एक ब्रांच का अलग ही उसका वैल्यू होता है। जैसे मैकेनिकल का तो आपको पता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का आपको पता है, उसके बिना आप मोबाइल चला ही नहीं सकते, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना तो आपका मोबाइल बन ही नहीं रहा है, ठीक है। CSE के बिना उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं चलते, मैकेनिकल के बिना ये जो प्रोडक्ट बनता है उसके बिना तो ये बन ही नहीं सकता, ठीक है, जो मोबाइल का पूरा स्ट्रक्चर है वो मैकेनिकल के बिना नहीं बना सकते, ठीक है, और जो आपकी मेटलर्जी है उसके बिना उसका ढांचा है, उसका अंदर मटेरियल यूज होता है, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर उसका स्टैंडर्ड क्या होते हैं, ये आपको पूरे के पूरे मटेरियल साइंस के अंदर पढ़ाए जाते हैं ना। हर एक ब्रांच यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। देन इसके बारे में आपको, ठीक है, किसी से ऐसा वैसा नहीं कहना कि ये ब्रांच अच्छी नहीं है वो ब्रांच अच्छी नहीं है, यहाँ तक भी जो भी आपके जो गूगल के शिव है, ठीक है, सुंदर पिचाई, वो है मेटलर्जी, ठीक है, IIT खड़गपुर के अंदर मेटलर्जी उन्होंने लिया था, फिर जाके उसके अंदर MS किया था मटेरियल साइंस के अंदर, फिर जाके वो प्रोडक्ट मैनेजर बने थे, ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजर बने थे कहाँ, गूगल के अंदर, देखा, ठीक है। फिर बाद में उनका जो मैनेजमेंट है, ठीक है, उनका मैनेजमेंट देख के गूगल ने उनको CEO का पद दे दिया, ठीक है, ये ऐसा कुछ उनका लाइफ था, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना है कि आपको जो सुंदर पिचाई थी वो कोडिंग के वजह से उनको नहीं जाना जाता, वो अच्छे खासे जो मैनेजर है उनके वजह से वो जाने जाते हैं, वो बहुत सही तरीके से मैनेज करते हर एक चीज, ठीक है। देन ये ऐसी बातें होती है, ठीक है। देन इसलिए आपको किसी कॉलेज के बारे में गलत सलब नहीं बोलना है और किसी ब्रांच के बारे में ऐसा कुछ बताना नहीं है, ठीक है, आपके जूनियर को, ठीक है। देन ये हो गया। फिर आपकी एक बात हो गई कि आपको सुनना किसका चाहिए, ठीक है, सुनना उसी का चाहिए जो कि उस रिलेटेड है, उसके रिलेटेड। अभी आप मान लीजिए कि IITs का आपको ज्ञान चाहिए, ठीक है, IITs क्या होती है, देन आपको उसी स्टूडेंट का सुनना चाहिए जो IITs में है या फिर IITs को जाने वाले हैं या फिर जिसने IITs में जाते जाते रहा है, ठीक है, जो भी IITs के लिए जाते जाते रहा है यानी फेल हुआ है उस जगह पर, उसको असली वैल्यू पता होती है IITs की, ठीक है। फिर NITs का भी वैसा ही होता है। फिर जो बंदा IITs में न जाके NITs में गया है, देन उनसे बात कीजिए कि NITs क्या होती है, ठीक है।
मुझे तो लगता है जो भी उन स्टूडेंट को कहा था जिन्होंने भी कि NITs अच्छा नहीं होता, ठीक है, फिर IITs अच्छा होता है, फिर IIITs अच्छा नहीं होता, फिर दूसरे कॉलेज अच्छे नहीं होते, ठीक है, इंजीनियरिंग करना है तो IIT से करना है, ऐसा नहीं होता है। IITs अच्छी है लेकिन IITs लाइफ नहीं है हमारी, ठीक है, IITs लाइफ नहीं है, सिर्फ IITs एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से हम पढ़ते हैं, करियर सेट करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि IIT से भी आपको करियर सेट करने को मिलता है अच्छा खासा, NITs भी मिलता है, NITs से भी आप करियर सेट कर सकते हो, फिर IIIT से भी कर सकते हो, या फिर जो भी आपका स्टेट टॉप कॉलेज होता है वहाँ से भी आप करियर सेट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ IIT से करियर सेट करने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है, मानते हो ये बात। फिर आपको ऐसा कुछ बताना नहीं है कि जो IITs है वो अच्छे होते हैं, NITs अच्छे नहीं होते, ये ब्रांच अच्छी होती है, वो ब्रांच अच्छी नहीं होती, ठीक है। देन आपको ये बताना नहीं है क्योंकि जूनियर के ऊपर, जो भी आपके जूनियर है उनके ऊपर अलग सा गाइडेंस बन जाता है, यानी अलग सा इम्पैक्ट होता है उनके माइंड के ऊपर, और वो आगे ऐसे ही बताते जाते हैं, ये आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपकी ये गलत सोच, ठीक है, आपकी ये गलत सोच आगे कई पीढ़ी खराब कर सकती है, ठीक है, एक तो एक पीढ़ी खराब कर ही देगी, एक गलत गाइडेंस कभी नहीं देना, ठीक है। और बात किसकी सुने, ये जब बात आए देन उसी की बात सुने, जो उसके रिलेटेड काम करता है, फिर उसके रिलेटेड उसको कुछ नॉलेज है उसी की बात सुने, ठीक है। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर है, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर है जो IITs में पढ़ते हैं, ठीक है, वो IITs का नॉलेज देते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर है वो NITs में पढ़ते हैं, IIITs में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक छोटे कॉलेज से पढ़े हो, ठीक है, अभी हमारा कॉलेज आप सर्च करोगे उतना आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, सिंपल सी सच्ची वाली बात आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो मुझे नॉलेज है, ठीक है, मुझे जो नॉलेज है वो सभी कॉलेज का, यानी अभी कॉलेज के अंदर कैसे एंट्री किया जाता है, एडमिशन कैसे किया जाता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ठीक है, अभी उसका काउंसलिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है, राइट चॉइस फिलिंग कैसे किया जाता है, तो एक चॉइस फीलिंग की वजह से आपको कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आपकी लाइफ कैसे सेटल हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये पूरा का पूरा डिपेंड होता है आपके काउंसलिंग के ऊपर, ठीक है। यदि आपको अच्छे मार्क मिले, ठीक है, अच्छे मार्क मिलने के बावजूद भी आपने अच्छी काउंसलिंग प्रोसेस नहीं कंप्लीट की, चॉइस फीलिंग सही से नहीं किया, देन आपको आप उसका सामना कर सकते हो उस इश्यूज़ का, उस राइट चॉइस फीलिंग की गलती की वजह से, ठीक है, वो चॉइस फीलिंग आपने गलती से कुछ भी भर दिया, ठीक है, जैसे कि हमने भरा था, इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ के ऊपर हो सकता है, जैसे कि मेरे लाइफ के ऊपर हुआ था, ठीक है। मुझे जो ब्रांच चाहिए थी वो तो मुझे मिल गई, लेकिन जो अच्छा कॉलेज होता है, ठीक है, उस पर बढ़िया बढ़िया कॉलेज है वो मुझे नहीं मिल पाए क्योंकि मेरी जो चॉइस फीलिंग थी वो गलत हो चुकी थी, ठीक है, और उसके अंदर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, ठीक है, वो मेरा लास्ट चांस था, इसलिए कॉलेज तो अच्छा नहीं मिला, लेकिन जो ब्रांच थी वो मेरे मन के ऊपर मिली, ठीक है। अभी आप ही दे सकते हो, ठीक है, कॉलेज का नाम सर्च करना तो कर सकते हो, IOKCOE पुणे, ठीक है, अभी इसका अता पता आपको मिलने वाला नहीं है क्योंकि वो कॉलेज बंद हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो बात है, ठीक है, जो इंजीनियरिंग के अंदर की बात है, मैं तो पास आउट हूँ, ठीक है, इंजीनियरिंग पास आउट मैं हूँ, लेकिन इसके अंदर जो बात है उसको क्या करना है एक्चुअल में, ठीक है, इंजीनियरिंग कैसे कंप्लीट करना है, उसके अंदर क्या क्या दिक्कत आ सकती है, वो मुझे नॉलेज है इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मैं नीट का मेडिकल का नहीं दे रहा, ठीक है, नीट के अंदर का जो भी मेडिकल कॉलेज होते हैं उसका नॉलेज मुझे उतना नहीं है, ठीक है, अभी लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उतना कॉलेज नहीं, मुझे उतना नॉलेज नहीं उनके बारे में, देन मैं उसका कुछ बताते नहीं, सिर्फ मैं इंजीनियरिंग के बारे में बता दूँ जो कि मैंने कंप्लीट किया, ठीक है, इसलिए आपको उन्हीं जनों का एंड उन जो सीनियर है उनका बात सुनना है जो उस फील्ड के अंदर है और जो फील्ड के लिए काम करते हैं, ठीक है, और फील्ड को जाना जाते हैं उस फील्ड को, ठीक है। और ये तो ये बात हो गई, और किन जनों का नहीं सुनना है वो है अलग सी बात, ठीक है। अभी जो अपने आजू बाजू वाले होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे चाचा चाची फिर कलीग्स होते हैं जो करते एक है, ठीक है, करते एक है और सुनाते अलग सा है, क्योंकि वो सुनते हैं दूसरे जनों से और सुनाते एक जनों को, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उनसे अलग बनना है क्योंकि आप वो चाचा नहीं हो, ठीक है, वो मामा नहीं हो आप, ठीक है। देन आपको अच्छा गाइडेंस करना है, यदि गाइडेंस करना है, ठीक है, और गाइडेंस लेना है तो सही इंसान से गाइडेंस लेना है, ठीक है। देन ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपका फोकस एक ही चीज़ के ऊपर होना चाहिए, ना कि इधर उधर होना चाहिए, ठीक है। गोल यदि आपने सेट किया है ठीक से, ठीक है, यदि आपने ठीक से गोल सेट किया है देन उसके ऊपर फोकस बना के रखना है, ठीक है। अभी तक आपका गोल सेट नहीं है देन आप लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर सकते, आपका ट्वेल्थ खत्म होने को है, ठीक है, ट्वेल्थ खत्म हो चुका है, आपको जी मेंस का एग्जाम देना है, जी एडवांस का एग्जाम देना है, आपको IITs के अंदर जाना है। यदि आपका यही गोल सेट नहीं है कि आपको जिंदगी के अंदर क्या करना है, ठीक है, एक्चुअल में क्या करना है जिंदगी के अंदर, देन आपके लाइफ के अंदर साथ कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। यही टर्निंग पॉइंट होता है ट्वेल्थ का। आपने ये बहुत जगह सुनी होगी बात, ठीक है, हमने भी सुनी थी और हमें उस टाइम में लगा था कि ये क्या बोल रहे हैं सर, ठीक है,
अभी जाके पता हो रहा है कि ये क्या बोल रहे थे सर, ठीक है। इसलिए ये जो ट्वेल्थ का जो पॉइंट होता है, ठीक है, आपको यहाँ से अभी कॉलेज एंड जो इंस्टीट्यूट होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन लेना होता है, आपका जो स्कूल वाला जो प्रोसेस होता है यहाँ तक खत्म हो चुका होता है, ठीक है। जो भी आपकी जो चाइल्ड लाइफ थी, ठीक है, वो यहाँ तक खत्म हो चुकी है और यहाँ से आपका जो भी पॉइंट है, ठीक है, जिंदगी का टर्न लेने वाला पॉइंट, आपका करियर सेट करने वाला पॉइंट ये है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। यदि आपने सेट किया है आपका करियर कि आपको CA बनना है या फिर आपको बड़ा सा मैनेजर बनना है या फिर CEO बनना है, फिर खुद का स्टार्टअप खोलना है, ठीक है, खुद का बिजनेस बनाना है, देन आपको यहीं पर गोल सेट करना होगा और उसके साथ उस गोल को ध्यान में रखते हुए आपको फोकस बना के आपको चलना होगा कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, कौन सा एग्ज़ाम देना है, कौन सा एग्ज़ाम क्रैक करना है और कौन सी कोर्स के साथ आपको करियर सेट करना है, ठीक है। यदि आपका मेटलर्जी के साथ भी कुछ करियर बन रहा है देन वो कर सकते हो, CAC के साथ बन रहा है तो वो भी कर सकते हो, हर एक ब्रांच के साथ, ठीक है, या फिर इसके अलावा जो भी आपका मान लीजिएगा आप आर्ट्स है हो, ठीक है, आर्ट्स से भी कर सकते हो। यदि आपका कौन कलीग्स है, ठीक है, उनको ऐसा नहीं बोलना कि ये साइंस स्ट्रीम अच्छी होती, आर्ट स्ट्रीम अच्छी नहीं होती, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप देखोगे तो देन साइंस से भी अच्छा आर्ट स्ट्रीम होता है, ठीक है, उसके बिना आप देख ही सकते हो, ठीक है। अभी मैं तो इसके बारे में कुछ बताने वाला नहीं है, आप खुद से देख सकते हो। कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्शन रखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक अच्छा है एक खराब है, ठीक है। ये ऐसा आपको गाइडेंस नहीं देना है आपके जूनियर को, ठीक है, और दूसरों से भी ऐसा कुछ लेना नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये वीडियो के बाद आपको पूरा का पूरा क्लियर हो चुका होगा कि आपको क्या करना है जिंदगी के अंदर और क्या बताना है आगे वाले पीढ़ी को, ठीक है। देन यहाँ पर मैं आपकी विदा लेता हूँ, ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।